हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिव्यूज। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जस्ट रिव्यूज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही अच्छी मूवी सुशांत सिंह राजपूत की, जिसके बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है हर किसी के दिमाग में चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। तो आज हम उनकी एक मूवी दिल बेचारा को लेकर उनका रिव्यू करने वाले हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स बिलीव करना मुश्किल है कि वो हमारे बीच नहीं है। ही वाज सच अ वर्सेटाइल एक्टर एंड एक्टर हु डिड मूवीज लाइक छिछोरे, जहाँ पे सुसाइड का यू नो मैसेज था कि वन शुड नॉट। आई तो स्टिल डोंट बिलीव इट वॉज अ सुसाइड। ही वॉज रादर किल्ड बाय बॉलीवुड का नेपोटिज्म एज वी ऑल नो। बट अब हमें तो पता नहीं, पुलिस इज डूइंग देयर वर्क। एंड मैं हफ पैरानॉर्मल के भी वीडियोज जरूर देखती हूँ गाइज। इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस वीडियोज, यू नो आई फाइंड देम वेरी नाइस एंड रियल, सो मेक श्योर यू वॉच इट। एंड दिल बेचारा की बात करते हैं, सुशांत की आखिरी मूवी हमारे लिए। सुशांत की मूवी की एक खासियत मैं आपको बता दूँ कि उनकी एक्टिंग में इतना ज़बरदस्त दम होता है, और मूवी की स्क्रिप्ट क्या है, मूवी की कहानी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता। एक उनकी स्माइल और उनकी जो एक्टिंग है, सीरियसनेस है, वो मूवी में जान डाल देती है। वो कैरेक्टर को अपने अंदर यू नो ही जस्ट ब्रिंग्स लाइफ टू द कैरेक्टर, जिसको कहते हैं। एंड ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। आपने उनको धोनी में भी देखा है, ही एक्टेड सो वेल। मतलब आई डिडंट बिलीव कि उस मूवी में कियारा आडवाणी भी हैं। इनके साथ मैं एक दिन देख रही थी तो उन्होंने कहा देखो कियारा आडवाणी, एंड आई वाज लाइक रियली। मैं सुशांत पे इतना खोई हुई थी उस मूवी में कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो हैं। दैट वाज अ रियली, उनकी सारी मूवीज कायफोचे राबता, भले ही उनकी मूवीज हिट नहीं हुई क्योंकि उनको वही बातें उतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी। एंड रही बात इसकी दिल बेचारा की, आई थिंक इसकी स्क्रिप्ट भी उतनी बढ़िया नहीं थी। इट्स जस्ट हिज एक्टिंग दैट मेड द मूवी आउटस्टैंडिंग। नॉवेल फॉल्टेन अवर स्टार्स उस पर बेस्ड है, और मुझे लगता है कि 40% 30% पीपल ने वो नॉवेल जरूर पढ़ा होगा। मैंने पढ़ी, ठीक है, और उसी के बेस पे थोड़ा सा करेक्शन किया गया है मूवी में। चेंजेस तो आई थिंक हर कोई करता है मूवी में जान डालने के लिए। सुशांत और संजना सांगी ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें। She did it very well. Her acting was again very outstanding. उनकी ये डेब्यू मूवी थी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड उनपे क्या बीत रही होगी कि डेब्यू मूवी में वर्किंग विद सुशांत, ही इज ऑलरेडी अ बिग नेम, एंड देन ही लेफ्ट अस ऑल क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ। आते हैं मूवी के ऊपर, तो मूवी इज रियली नाइस। एक ट्रेजिक लव स्टोरी मैं कहूंगी मूवी है, एंड फ्री है सबके लिए देखना। हॉटस्टार पे आपने वो सब्सक्रिप्शन ईयरली लिया हो चाहे ना लिया हो, आई एम गोना लीव अ लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो एंड वॉच इट, अपने लाइफ के 1 घंटे 40 मिनट निकाल के देखो। इट्स गोना बी वर्थ इट, क्योंकि सुशांत एक्ट्स रियली वेल इन द मूवी। और थोड़ा सा रोल सैफ अली खान ने भी किया हुआ है, थोड़ा सा साइको सरप्राइज, ठीक है। और अचानक से वो आते हैं मूवी में और एक जो है सिंगर का रोल प्ले करते हैं। यस, ठीक है, एक अधूरे गाने के पीछे पूरा जो हीरोइन है, हीरोइन के जो है पूरी जो है उनका कैंसर का जो है लेना देना सब उसी गाने के बेस पे होता है, और उस अधूरे गाने को पूरा करने की ख्वाहिश ही संजना की होती है। क्या नाम होता है संजना का इस मूवी में? गिजी बसु, ठीक है। और मैनी सुशांत जो अपने आप को आई थिंक उनका वो जूनियर, वो कहते हैं रजनीकांत, हाँ जूनियर रजनीकांत अपने आप को बोलते हैं, रजनीकांत उनका फेवरेट है। एंड मूवी पे उनका सपना था एक्टर बनना, ठीक है। और बास्केटबॉल प्लेइंग उनका जो है एम था, लेकिन पैरों में थोड़ी सी जो है, मैं पूरी मूवी नहीं बता सकता, थोड़ा सा जो है आप देखेंगे जाके तो उस हिसाब से आपको जो है समझ में आएगा। yes. कि He did it so well. मतलब उनके उनका जो आई थिंक सुशांत की जो भी बीमारी थी वो आपको यू नो एक पन्नों की तरह सस्पेंस में मूवी में खुलेगी, और वो इतने अच्छे से एक होता है ना कि उन्होंने ये सिखाया इस मूवी के थ्रू हमें जाते जाते कि जिंदगी में आपके जितनी भी दिक्कत आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए,
डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ, लिव एवरी डे एज इट्स लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, हर दिन खुल के जियो. वैसे भी आजकल इतना मनहूस टाइम चल रहा है कोरोना पैंडामिक का, सो यू गेट अ वेरी ग्रेट मैसेज फ्रॉम द मूवी कि नो मैटर लाइफ में इतना ट्रेजेडी हो जाए, इतना कुछ हो जाए, बट आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो. एंड मैं इस मूवी को अपनी तरफ से 5.5 मार्क्स देना चाहूंगा, क्योंकि एक्टिंग इतनी जबरदस्त है और सुशांत को लेके ही मैं रेटिंग कर सकता हूँ इसमें 5. आई एम सॉरी गाइस, टफी परेशान कर रहा है, सो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते रहते हैं. मैं बहुत रोई पूरी पिक्चर, एंडिंग भी मुझे पसंद नहीं आई, थोड़ा सा हर्ट करती है एंडिंग, क्योंकि जो रियलिटी है आज के समय की सुशांत को लेके और जो मूवी है, अगर दोनों को आप मैच करेंगे तो काफी सिमिलर होती है, तो ना चाहते हुए भी आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, हो जाएंगे. मैं तो बहुत हो गई थी गाइस, आप ये मूवी जरूर देखें. एआर रहमान जी का म्यूजिक है, म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक सुनने के बाद आप उसको जो है 2-4 दिन जरूर गुनगुनाएंगे. हम लोग तो मुझे लगता है जो टाइटल ट्रैक है, और सुशांत ने जो टाइटल ट्रैक जो है वो किया है उसमें, वो पूरा वन शॉट है, उसमें कोई भी टेक नहीं लिया गया है. डांस किया उन्होंने, डांस जो भी हुआ है उसमें वो पूरा वन शॉट है, ठीक है. तो ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिंग की जो है आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग है, कि वन शॉट परफॉर्मर, हाँ बहुत अच्छे परफॉर्मर किया है, परफॉर्म किया है उसमें, ठीक है. और बाकी आप मूवी देखें और मूवी देखने के बाद बताएं. गाइस जरूर देखिएगा आप मूवी. एंड आई नो हम सब ये मूवी एक हैवी हार्ट के साथ देख रहे हैं, बिकॉज ही इज नो मोर, बट ही इज देयर इन आवर हार्ट्स विद हिज एक्टिंग, एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव इट. अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, एंड सब्सक्राइब टू जस्ट रिव्यूज. We love you all. Bye-bye.